Hi guys, this is Prince. Welcome back to Be Natural. And I'm Rekha. जैसे कि आप सबने रिक्वेस्ट किया था, भैया, जीजू, दीदी, आप प्लीज हाइट को लेके कोई वीडियो बनाइए. हमारा काफी बड़ा मिथ है, क्या हाइट 35 साल तक बढ़ती है? क्या हाइट 15 से 18 के बीच में बढ़ती है? क्या हाइट कैप्सूल या सप्लीमेंट से बढ़ती है? क्या हाइट बढ़ती ही नहीं है? ये काफी सारे सवाल थे, वो आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं. तो आपको करना है क्या है, वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और साथ ही साथ हमारा बी हेल्दी चैनल आपको सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप महरूम रह जाएंगे. वेट लॉस कैसे करते हैं, थाइस, हिप्स को कैसे शेप मिलाते हैं, वो आप मिस कर देंगे. तो वो बहुत जरूरी है, ऐसे आप फिट लड़का हो लड़की हो तो जरूरी है वो नॉलेज भी रखना. उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना. हम दोनों मिलकर के वहाँ आपको देने वाले हैं हेल्दी टिप्स, तभी तो चैनल का नाम है बी हेल्दी. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट. तो भैया, हाँ बहना, मतलब इनके भैया, ये बताओ, इनका सवाल है कि हमने एक वायरल वीडियो देखी थी जिसके अंदर बताया गया था कि 35 साल की उम्र तक हाइट बढ़ती है, तो क्या ये पॉसिबल है? 35 साल की उम्र तक हाइट बढ़ सकती है क्या? गाइस, देखा जाए तो हाइट 35 साल तक नहीं बढ़ती है, पर अभी इंडिया जैसे तरक्की कर रहा है, पूरा वर्ल्ड तरक्की कर रहा है, तो इंडिया में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, ऑपरेट करके बढ़ सकती है. सिर्फ उसमें क्या है, आपके थाइस में छेद किया जाता है, उसमें अलग से गैप बनाया जाता है, एक महीने बाद सर्जरी की जाती है ताकि उसमें गैप करके एक साल के अंदर 3 से 5 इंच की हाइट आपकी बढ़ सकती है. 8 से 10 लाख का खर्चा है. अगर आपको भैया कुछ ऐसा तरीका बताओ, नेचुरल होम रेमेडीज ही देखने आते हैं बी नेचुरल. और कोई नेचुरल या कोई भी मेडिसिन नहीं है जो 35 साल तक दावा करती है कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी. जो है भी वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं है भाई. हाँ, जो टीवी पे आना था पहले बैठो तो फिर इतना हो गया हाइट, वो सब झूठ है. लल्लू मत बोलो, थोड़े होशियार बनो. और नेचुरल टिप्स हम आपको देने वाले हैं जो अगर आप करोगे ना उससे आपकी हाइट जरूर बढ़ जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बता दूं कि हाइट सिर्फ 21 साल तक बढ़ती है और जो हाइट की जो एज है ना, जिसमें जिस एज में ज्यादा हाइट बढ़ती है, वो सिर्फ है 13 साल से लेके 18 साल. तो आपने देखा होगा जैसे 2 महीने की छुट्टियां बढ़ जाती है, समर वेकेशन हो जाते हैं, तब सब अपनी अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होते हैं. आफ्टर 2 महीने सब आते हैं, देखते हैं अरे यार चुंटू ये लंबा हो गया, और यार जैसे ग्राउंड में घासें लंबी हो जाती है, उनकी हाइटें भी लंबी हो जाती है. या फिर हम नाना नानी के यहाँ पर जाते हैं बचपन में, 2 महीने बाद आते हैं, मम्मी कहती है अबे क्या हो गया इतना लंबा हो गया अचानक. तो वही एज होती है 13 से 18 साल की एज में. उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उस एज में हार्मोन्स काफी जल्दी चेंजेस होते हैं और उसी एज में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्यादा करते हैं. उसके बाद हम 18 साल के बाद कॉलेज जाते हैं, फेसबुक मतलब फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रहती है, हम एक्टिव नहीं रहते हैं, प्लस हार्मोन्स का डेवलपमेंट उस एज में उतना नहीं होता जितना इस एज में होता है. अब आप ये सोच रहे होंगे आपने तो कहा 21 साल से बढ़ सकती है, तो 18 के बाद 13 से 18 क्यों बोला, 13 से 17 क्यों बोला आपने? ठीक है, उसके बाद हाइट बढ़ती है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती है, और हम ऐसे टिप्स आपको बताने वाले हैं जिससे जल्दी बढ़ जाए. आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी अच्छी सिटी में रहते हैं, अगर आपके जिम में अगर स्विमिंग पूल अवेलेबल है, जिम में या क्लब में स्विमिंग पूल अवेलेबल है, तो आप जाके स्विमिंग कर सकते हैं. या फिर आप साइकिल चला सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं. साइकिल तो सबके घर में होती है यार, छोटा तो या तो स्विमिंग कर लो या साइकिलिंग कर लो, आगे बढ़ते हैं. या फिर आप जंप कर सकते हैं, ये जंप करना है, ये नहीं करना है, जब आप जितना कर सकते हैं टॉस पे. अभी मैं वर्कआउट में करके दिखाऊंगा, वर्कआउट में प्रॉपर करके दिखाऊंगा जंप किस तरह की जाती है, ठीक है. और साथ में रनिंग कर सकते हैं अपने गली में या टेरिस पे या ग्राउंड में या खुले में. खेली ना ये यार, ये होती है आगे हम आफ्टर 21 ना करप्ट हो जाते हैं यार, जॉब में, स्टडी में, जॉब है या करियर में आगे बढ़ना है. स्पोर्ट्स एक्टिविटी सिर्फ लैपटॉप, पिक्चर, मॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, बस ये खत्म. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे भागना छोड़ दो, ग्राउंड में जाके भागना शुरू कर दो. देखो जिसकी जो हाइट होती है सबको अपने उसमें मतलब स्किन कलर में भी खुश होना चाहिए, हाइट में भी खुश रहना चाहिए, लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट की जरूरत होती है. अगर आप एयर हॉस्टेस बनना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो, पुलिस में, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे फील्ड है जहाँ जाने के लिए हाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. यही तो एज है, यही तो टाइम है, हाइट वाली टिप्स फॉलो करो और हाइट बढ़ा लो. तो चलिए जानते हैं आगे क्या है. आगे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हाइट बहुत मैटर करती है हमारे पेरेंट्स पे, हमारे हार्मोन्स, हमारे जेनेटिक क्या है. जैसे कि हमारे दादा की हाइट अच्छी रही है, हमारे हमारे फादर की भी हाइट अच्छी रही है, तो ऑब्वियस ही बात है सन की या डॉटर की भी हाइट अच्छी रहेगी. क्योंकि कहेंगे आप सब कहेंगे क्यों ऐसा क्यों, वो क्या वर्कआउट कर रहे हैं? गाइस आप लोग उन्हीं का पार्ट है, हार्मोन्स
उन्हीं का ब्लड आपकी बॉडी के अंदर है, तो काफी डिपेंड करता है। मेरे सर्कल में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फैमिली मेंबर्स में, सर्कल में ऐसा होगा। आप नजर घुमा के देखिए, जो आपके फ्रेंड्स या आपकी आपके ब्रदर, कजन ब्रदर जो हाइट में आपसे लंबे हैं, उनके पेरेंट्स भी लंबे ही हैं। ऑल इन ऑल बात की जाए तो जेनेटिक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी हाइट के बड़े छोटे होने में। चने खाते हैं, चने खाइए, ठीक है, राजमा खाइए, छोले खाइए, ठीक है, और सोयाबीन, ये सब आपको क्या करना है, एक एक चम्मच लेके कटोरी में आप उसको डाल दीजिए। रात को 9 बजे या 8 बजे पानी में पूरा अच्छे तरह डीपली उसको भिगो दीजिए। उसे क्या करना, मॉर्निंग में आपको सुबह उठते ही आपको पूरा खाना है, प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, आपको मल्टीविटामिन भी इसमें मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको 2 टाइम दूध पीना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग भी खा सकते हैं, और अगर नॉन वेजिटेरियन है जैसे मैंने बोला कि आप बॉइल्ड ब्रेस्ट खा सकते हैं, बोनलेस, ठीक है। थोड़ा खाने में गंदा लगेगा, मैंने खाया नहीं है, पर मेरे फ्रेंड्स बताते हैं जिस तरह खाना है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो इजिली खा सकते हैं, तो उसमें काफी हाईली प्रोटीन उसमें होता है, जो कि आपकी बॉडी का जितना प्रोटीन है, जितना आप वर्कआउट कर रहे हैं, मसल आपके ब्रेक होते हैं, प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, उससे आपकी ग्रोथ अच्छी जाएगी। वर्कआउट करना है, योगासन करना है, वर्कआउट मीन्स ये नहीं कि आप जिम करने लग गए, जंपिंग, रनिंग, हैंगिंग, साथ ही साथ आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर नींद लेना अनिवार्य है, कंपल्सरी है गाइस, 7 घंटा जब सोएंगे रेस्ट देंगे तभी तो आपकी बॉडी डेवलप होगी। मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि सबसे जरूरी है डाइट, हाइट के साथ कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट नहीं। आप यार बाइक चलाते हैं, उसके लिए पेट्रोल जरूरी है ना, हमारी बॉडी भी ऐसी है, खाना जरूरी है, पर साथ साथ बाइक की जब एवरेज अच्छी होती है हम इंजन ऑयल डालते हैं, तो हम डाइट ले रहे हैं, हल्का आसन कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, पर उससे अलग से क्या है, इंजन ऑयल क्या दे रहे हैं, उसके लिए जरूरी है बॉडी ऑयल, ऑलिव ऑयल जरूरी है। उसको डिटेल में बताने के लिए थोड़ा ये काफी ज्यादा चुप खड़ी है, इनको मौका देते हैं बोलने के लिए। अरे मेरे सारे डायलॉग खाली है, मुझे तो कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं। आज मौका मिला तो मैं बोल पड़ा, नहीं तो पिछले एपीडी में यही आ रहा था कि अरे प्रिंस जी से भी तो कुछ बुलवाओ, अब मेरी बारी है। देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, माएं क्या करती है, मसाज, मालिश करती है, चंपी अच्छे से, क्यों करती है, ताकि ग्रोथ हो बच्चे की। अगर माँ अपने बच्चे की मालिश नहीं करेगी तो मतलब उनकी बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, बॉडी डेवलप नहीं करेगी, उससे उनकी हड्डियां स्ट्रांग भी रहती है, प्लस बच्चे की ग्रोथ भी होती है, लंबाई हाइट भी बढ़ती है उस वजह से। तो मालिश करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बाजार में बहुत सारे तेल मिलते हैं, अगर कोई सा भी तेल आपको नहीं उठाना है ना, बच्चों ऑयल मत उठा लेना, टीवी में देखा बच्चों ऑयल आप लगाने लग गए, वो बच्चों के लिए ही होता है। अब बड़े हो गए हो तो आप मालिश तो करते नहीं होती, लेकिन मालिश आपको करनी चाहिए, और वो आपको एक प्रॉपर ऑयल के साथ करनी चाहिए। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है। अब सर में लगाने वाला ऑलिव ऑयल नहीं उठाने हैं आपको, जो स्पेशली बालों के लिए होता है, आपको कोल्ड कंप्रेस्ड ऑलिव ऑयल लगाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा प्रिफर करती हूँ, मतलब मैं अपनी बहुत सारी रेमेडीज में इसको आपको दिखाती हूँ, चाहे वो बाल के लिए हो, स्किन के लिए हो, बॉडी के लिए हो, हर चीज के लिए मैं इसको यूज करती हूँ। तो आप लोग पूछे ले जाते हैं कि बताओ कौन सा ब्रांड यूज करें, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप ये मत बोलना कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जिसपे मैं ट्रस्ट करती हूँ, आपको कैरियर ऑयल यूज करना है, कोल्ड प्रेस्ड कैरियर ऑयल, कौन सा, ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो मैं यहाँ गुड वाइब्स का आपको दिखा रही हूँ, आप इसके अंदर अगर एसेंशियल ऑयल मिक्स करोगे और उसके बाद अपनी बॉडी को मसाज दोगे, मसाज देने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, वो हम आपको थोड़ी देर में बता देते हैं। पहले आपको ये बता देते कि ऑयल से मसाज करोगे तो ये क्या करेगा, आपके जो हार्मोन्स जो डेवलप नहीं होते हैं उसको स्टिमुलेट करेगा, आपके हार्मोन्स डेवलप होंगे, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं ना उनको भी स्टिमुलेट करेगा, और वो ग्लैंड्स ऐसे हार्मोन रिलीज करेंगे जिससे कि आपकी बॉडी का ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑलिव ऑयल बहुत ही ज्यादा जरूरी है बॉडी मसाज में यूज करने के लिए। पर इसको आपको अकेला नहीं यूज करना है, इसको आपको यूज करना चाहिए कौन से एसेंशियल ऑयल के साथ, टर्मेरिक ऑयल, टर्मेरिक एसेंशियल ऑयल के साथ। क्यों? क्योंकि टर्मेरिक एसेंशियल ऑयल आपकी बॉडी को काम करता है, रिलैक्स फील कराता है, और इन दोनों के मिक्सचर से ऑयल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ 4 चम्मच आपको लेना है ऑलिव ऑयल, और उसके अंदर 4 बूंदे टर्मेरिक ऑयल की मिक्स कर देनी है, और आपको मसाज कैसे करना है वो हम अभी आपको डेमो दिखाते हैं। टर्मरिक एसेंशियल ऑयल आपकी बॉडी को काम डाउन करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है। देखो, आपकी बॉडी में अगर स्ट्रेस है तो बॉडी ग्रोथ नहीं होगा, तो बॉडी को डी स्ट्रेस करने के लिए आपको मसाज की जरूरत है, और मसाज करने से आपकी बॉडी में स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आपके ग्लैंड्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, नहीं तो स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो आपके गुड सेल्स को, हेल्दी सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती है। तो मसाज प्लीज, आप अगर आप 21 साल की उम्र तक के हो तो प्लीज मसाज करो, खुद करो, किसी से कराओ, लेकिन मसाज करो
चाहती हूँ तो। और मैं आपको किसी के पास नहीं भेजूंगा, ना किसी को बुलाने दूंगा, आप सेल्फ मसाज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के बीच में। और ये भी सुन लीजिए कि ये जरूरी नहीं कि आपने लगाया हाइट बढ़ेगी, इस ऑलिव ऑयल के कई बेनिफिट है। जैसे कि आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या तो 25 साल की एज में या 28 साल की एज में फीमेल से मेल से जिम करते हैं, वेट लिफ्टिंग ज्यादा करते हैं, वर्कआउट ज्यादा करते हैं, तो स्ट्रेस मार्क्स आ जाते हैं। और आफ्टर 45 ना हाथों की ना जो 45 क्या हाथों की रिंकल ना काफी पड़ जाते हैं। तो आप इस ऑयल से मसाज करेंगे, एक तो रिंकल आपके खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी बॉडी ग्लो मारेगी। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि ग्रो करेगा अगर आप ऑलिव ऑयल यूज करोगे, क्योंकि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट कर देती है। सारा खेल ब्लड सर्कुलेशन का है, पहले भी बता चुकी हूँ। आप बताते हैं कुछ आसन, योगासन और कुछ घर में वर्कआउट, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा बॉडी वार्म अप करना है, 3 times अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, सर्कल, एंटी सर्कल, सेम स्पेयर से करना है। नी पे हाथ नहीं रखना है, थोड़ा ऊपर हाथ रखना है, सर्कल, एंटी सर्कल, ये भी 3 times करना है। कमर पे हाथ रखेंगे, सर्कल, एंटी सर्कल, 3 times। एक्सरसाइज खाली पेट करनी है या खाके? बता दो। अरे वर्कआउट जो मैं बता रहा हूँ ये सारे आसन आपको खाली पेट करने हैं, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वार्म अप है। इनहेल एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, लेफ्ट इनहेल सेंटर एक्सहेल, सर्कल, पूरा वार्म अप किया है। अब बताता हूँ जंप कैसे करना है। जंप गाइस पूरे पैर के साथ आपको एक साथ अप नहीं करना है, ये नहीं करना है, आपके घुटने डैमेज हो जाएंगे, नी गायब हो जाएंगे। करना है क्या है, टोस पंजों पे आपको जंप करना है, ये अब ऊपर भी जा सकते, स्ट्रेच बॉडी को स्ट्रेच करना है, ठीक है, तो ये जंप करना है, ठीक है। तो स्ट्रेच करते हुए अप करना है, ये नहीं ऐसे खोल दिया, पूरा स्ट्रेच करते हुए, ये देखिए हील अप करना है, एल्बो स्ट्रेट और एंड होल्ड, जितना आप कर सकते हैं। सेकेंड आपको होल्ड रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं, पर ऐसे आपको रहना है हील अप करके और स्ट्रेच। सेकेंड आसन है अप डाउन, इनहेल अप डाउन, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। दूसरा आसन आपको बता रहा हूं, सबसे पहले बैलेंस बनाना जरूरी है, काफ मसल को टाइट रखना है, फीट को अटैच करके रखना है, देख लीजिए। ब्रेथ को होल्ड रखना है, जितनी देर आप रोक सकते हैं ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कीजिए। इसका भी 5 सेट करना है खाली पे, बैलेंस बनाना है आपको, कुछ नहीं करना है, बैलेंस बनाइए। धीरे धीरे जो पैर आपने पकड़ रखा है हाथ से उसको पीछे साइड पुल करना है, धीरे धीरे जितना कर सकते हैं कीजिए। देखो यहाँ भी आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। दूसरा, जितना स्ट्रेच उतनी हाइट, चेंज करेंगे, बैलेंस बनाइए, बैलेंस, ये आपको स्टार्टिंग में 4 सेट करने खाली पेट। आगे चलते हैं, प्रॉपर आपको लेट जाना है, नी बेंड करके रखना है, ठीक है, दोनों हाथ आपको कमर के नीचे रखना है, बॉडी को ऊपर की साइड आपको लिफ्ट करना है, बेंड करेंगे, होल्ड रखना है 30 सेकेंड, नहीं तो 10 सेकेंड। इसी में आप दूसरा आसन भी कर सकते हैं, नी बेंड कीजिए, पीछे ले जाइए, हाथों को लॉक,
तीसरा आसन भी कर सकते हैं। सपोर्ट लेंगे कमर पे, हाथ रखेंगे, ये फोर्थ, धीरे धीरे लूज करते हुए नीचे आ जाएंगे। ये योगा आसन मैं आपको करके दिखाई, इसे क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको बता देता हूँ। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी हाइट, अगर आपकी हाइट बढ़ चुकी है, मैच्योर है, तो आप और भी जगह ये आसन काम में ला सकते हैं। ये आसन आगे भी मैं आपको बताऊंगा, इस आसन के काफी बेनिफिट है। जैसे कि एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपका फेस रेड, कश्मीरी सेब खाए हो, फेस आपका इस तरह ग्लो करेगा इन आसन से। साथ ही साथ आपका आई विजन बढ़ेगा, आंखें स्ट्रांग होगी, मेमोरी आपकी शार्प होगी। अगर बालों का गंजापन, आपका गंजापन है, हेयर लॉस हो रहा है, वहां भी काम करेगा। मतलब योगा आसन यार आप कीजिए, कि आसन सारे ऑलराउंडर है, मल्टीपर्पज, आपकी सारी बीमारी की छुट्टी कर देगा। लास्ट आसन है, थोड़ा टफ है, ये भी आप कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देख देख के सीख सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है, देख लो, ऐसे रखना है। फीट को अटैच करके रखना है, बॉडी को मिडल पार्ट से लिफ्ट करना है अपर पार्ट की साइड, धीरे धीरे, और हाथों को चिपका के रखना है, अप अप अप। स्ट्रेच होएगा, टॉस, हील अप करना है। देखिए कमर की हड्डी, बैकबोन, पेट का फैट, पूरी बॉडी स्ट्रेच है। ये आसन आपको सिर्फ 15 सेकंड तक होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, सिर्फ एक ही सेट, खाली पेट। हर आसन आपको खाली पेट करना है, प्रॉपर ग्रिप के साथ पकड़ना है, दूसरे को पकड़ना है, इसको भी पुल करना है अपने पैरों को, हाथों से पुल करेंगे, ऑब्वियसली बात है, पुल 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 पुल, जितना कर सकते हो उतना इजी है। इसमें भी सेम है, ये उल्टा इसका है, अपोजिट है। देखा, जैसे कि आपको मैंने सारे आसन बताए हैं डिटेल में, आपको रेगुलर करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, साथ ही साथ ऑयल की हफ्ते में 4 दिन मिनिमम मसाज करनी है। पेट्रोल यानी कि आपकी डाइट, वर्कआउट, आसन, योगा आसन कर रहे हैं और प्रॉपर नींद ले रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ेगी यार हाइट, सब कुछ तो कर रहे हैं। और आप उस एज में है जिस एज में आपकी हाइट बढ़नी चाहिए, 13 से 21 साल के बीच में, तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। बस ये नहीं, प्लीज अगर आप चुप चुप के स्मोक करते हैं, टोबैको लेते हैं, तो बंद कर दीजिए, गंजे हो जाओगे यार, ठीक है। और लंग्स सब फेल, कोई लड़की नहीं आएगी, कोई प्रॉपर जॉब नहीं लगेगी, जो आपका एम है नहीं पहुंच पाओगे, जीरो हो जाओगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं हम दोनों ने आपको अच्छी तरह समझाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हर बारी तरह लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह आपको वीडियो जाननी है हेल्थ लेके, तो हमारा चैनल जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था बी हेल्दी, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर कीजिए। बोल ले तो हाँ, बोलो, जितना हो सकता है इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितने भी आपके सोशल मीडिया नेटवर्क है, शेयर कर लो, वायरल कर दो इस वीडियो को, ताकि कोई भी कम हाइट का ना रहे, जो भी चाहता है अपनी हाइट बढ़ाना, सब हाइट बढ़ा पाए। ये था आज का वीडियो, मैं आपसे मिलूंगी फिर एक और बेहतरीन। नहीं, मैं भी तो मेरे से नहीं मिलोगे क्या? आप चाहते हो दोनों साथ आइए, मैं अकेली आऊं, कमेंट करके जरूर बताना। आज के वीडियो हमने आपको अच्छी तरह समझाया होगा, हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आएंगे बी हेल्दी पे, और कभी कभार बी नेचुरल पे भी आएंगे।